चले अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास क्या है, हेडिंग डालने हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या डालेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर अगर हम लोग समझें तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना सर? ये आपका एक प्रकार से पॉलिनोमियल भी होता है और इसी के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आता है, बट अगर अपन बात करें फिलहाल दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके जो रूट्स होते हैं या जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं, रूट्स बोलें सॉल्यूशंस बोलें आप इसके, या आप इसके जीरोस बोलें, रूट्स बोलें सॉल्यूशन बोलें या जीरोस बोलें, वो होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो सर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का एक और तरीका होता है, वो होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसी ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। सर ठीक है, ये सारी बातें तो समझदारी की है अगर अपन सिस्टमेटिक करें और अच्छे से करें। तो सर एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है सर? इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर अपन बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो इस थ्री की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे करनी है दो हिस्सों में कि फर्स्ट इनटू लास्ट आ जाए, मतलब अगर आप वन इंटू टू कर रहे हो तो कितना आ रहा है आपके पास टू। तो इस थ्री को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो हिस्से आए वो मल्टीप्लाई में कितने ले आए टू। तो सर इसको आप तोड़ सकते हो टू एक्स और वन एक्स, क्योंकि टू इंटू वन कितना होता है टू ही होता है। तो सर यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इन दोनों को कॉमन लो, फैमिली लो, इन दोनों की फैमिली लो, तो यहाँ पे x ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस टू प्लस वन ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इन शॉर्ट x प्लस वन x प्लस टू इक्वल टू कितना जीरो। तो सर यहाँ तो आपका x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, यहाँ तो आपका x प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस वन या फिर x इज इक्वल टू हो गया माइनस टू। सो दिस बिकम्स योर अल्फा एंड दिस बिकम्स योर बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट माइनस वन एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट माइनस टू। सर इसी के साथ एक चीज और समझना जरूरी हो जाती है कॉन्सेप्ट जोन में कि ये जो दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, उसके लिए भी कहा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय, जिसको आप कहते हो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। और इसी के साथ अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमेशा होता है सी बाय ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है सी बाय ए। इसका मतलब अगर आपको चेक करना हो तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर अपन लेके चले एक और एग्जांपल लेते हैं तो शायद हमको क्लियर होगा। तो लेट्स गो विद द सेकंड एग्जांपल कि सर अपन क्या समझाना चाहते हैं। फॉर दिस वी हैव गॉट क्वेश्चन, अगर अपन लेके चले तो लो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू वॉट जीरो। फाइव इंटू टू कितना होता है? आपको सेवन को दो हिस्सों में से तोड़ना है कि क्या आ जाए। पहली बात इस क्वेश्चन का बता दूं, दिस इज बिकम ए, दिस इज वॉट बी एंड दिस इज वॉट सी। तो सर आपका ए कितना हो गया फाइव, आपका बी कितना हो गया सेवन, आपका सी कितना हो गया टू। नाउ अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर प्लस, इसको अगर तोड़े दो हिस्सों में तो शायद फाइव एक्स और टू एक्स में तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू वॉट जीरो। अगर यहां से चीजें कॉमन ली जाए, फाइव एक्स कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन प्लस टू कॉमन लिया जाए तो फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा अगेन एक्स प्लस। सर कहीं ना कहीं फाइव एक्स प्लस टू और यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल टू वॉट जीरो। तो सर अगर आप इसको इक्वल टू जीरो कर रहे हो तो फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो,
एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाय फाइव और एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस. नाउ दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा. तो सर अगर अभी अपन चेक करें कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, जो अपन ने पढ़ा तो वो इस प्रकार से पढ़ा कि हमने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस बी बाय. आपका अल्फा कितना है माइनस टू बाय फाइव. आपका बीटा कितना आया सर, बीटा आया माइनस टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस बी बाय. माइनस बी बाय मतलब माइनस सेवन बाय ए, कितना है फाइव, सही है. तो सर अगर इसका एलसीएम एलसीएम ले लें तो अगर आप चेक करें तो कितना हो गया माइनस टू माइनस फाइव अपॉन में कितना फाइव इज इक्वल टू कितना अगर लिख लीजिए इज माइनस सेवन बाय फाइव. क्या सही है यहाँ तक? हाँ सर, मतलब बातें तो खैर अच्छी ही हैं. मैंने बोला हाँ बातें तो अच्छी हैं, तो माइनस सेवन बाय फाइव ये तो आ गया. सर अल्फा बीटा हम क्या चेक कर रहे थे? तो सर हमको अल्फा बीटा चेक करना था कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी बाय. फॉर दैट आपके पास अल्फा कितना है माइनस टू बाय फाइव, आपके पास बीटा कितना है माइनस वन इज इक्वल टू सी बाय ए. सी कितना है आपके पास टू और ये फाइव, ये कितना हो जाएगा टू बाय फाइव, सही है क्या? माइनस से माइनस गेट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा टू बाय फाइव इज इक्वल टू वॉट टू बाय फाइव. सर ये बात हम लोग समझ चुके हैं. अगर कभी भी आपको लेट्स से अगर हम बोलूं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिए, क्या दिए हुए हैं आपको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और आपको इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो? जैसे आपको बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली. तो अभी आपने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट जीरो. आपके पास अल्फा कितना है थ्री, आपके पास बीटा कितना है फोर, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू कितना जीरो. तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू व्हाट जीरो. सर ठीक है, ये बात भी अच्छी है. कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म का भी आता है आपसे पूछने के लिए कि अगर मैं आपको समझाऊं कि if roots of polynomial are reciprocal of each other, are roots of polynomial are reciprocal of each other of 2x square plus 5x plus c equal to 0. Find c. अभी देखो ऐसे में आपको क्या बोल दिया है कि रूट्स क्या है रेसिप्रोकल, मतलब आपको बोल के रखा है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है वन बाय बीटा. अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है वन बाय बीटा, क्योंकि एक रूट अल्फा होता है और एक रूट क्या होता है बीटा. तो इसके हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल है इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, जबकि अल्फा बीटा होता ही क्या है सी बाय ए. सी बाय ए मतलब सी बाय टू. इन शॉर्ट C is equal to कितना हो गया आपके पास 2. C is equal to कितना हो गया आपके पास 2. तो सर ये तो इक्वेशन अच्छी हो गई और 2x square plus 5x plus 2 is equal to कितना 0. Even अगर इसमें आपसे अल्फा और बीटा भी निकालने के लिए पूछे हैं तो आप ये निकाल सकते हो 2 2 कितना हो गया 4. तो 5 को स्प्लिट करना ऐसे क्या आ जाए 4. अब तो आप वो भी निकाल सकते हो ना 2x square plus 4x plus 1x plus 2 equal to what 0. अगर अपन लेके चलो चलेंगे अब अगर अपन इधर से और इधर से बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x ब्रैकेट में कितना है x प्लस 2
प्लस वन ब्रैकेट में कितना x प्लस टू इक्वल टू कितना जीरो, तो कहीं ना कहीं ये टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। चलो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वन और दूसरे हो जाएगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन बाय टू, यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू। सर ठीक है अच्छी बात है, मैंने बोला ना अच्छी बात तो है। अब अगर इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए कि अपने को क्या करना है गेम को आगे लेके चले, तो सर अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are reciprocal of the roots of 3x square minus 5x plus 2 equal to 0। अभी देखो यार दो चीजें हैं, या तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके रूट्स निकाल और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल लें, या हम लोग करके चले कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाय, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है सी बाय। सो फॉर दैट अगर आपसे बात करी जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय मतलब माइनस ऑफ माइनस फाइव बाय ए दैट इज इक्वल टू कितना टी, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना टू बाय थ्री, तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव बाय थ्री, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू बाय थ्री। सही है, अब तुमको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके रूट्स क्या है रेसिप्रोकल, मतलब उसके रूट्स अल्फा है कि वन बाय अल्फा है, वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा। तो सर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रहता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा एक्स प्लस अल्फा वन अपॉन अल्फा इंटू कितना वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू कितना। सर बातें तो अच्छी हैं, मैंने बोला हाँ बातें तो अच्छी हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं बात करूं एलसीएम एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा एक्स प्लस वन अपॉन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट जीरो। नाउ आपके पास बहुत क्लियर तरीके से अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू, गेटिंग इट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है फाइव बाय थ्री, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है टू बाय थ्री, इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री अपॉन में अल्फा बीटा कितना है टू बाय थ्री एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा कितना है टू बाय थ्री इक्वल टू वन जीरो। क्या थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू एंड अप विथ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू इक्वल टू वॉट। सर अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इंटू टू कर सकते हैं, मैंने बोला हाँ अगर यहाँ पे इंटू टू कर देंगे तो सर गेम ही क्या चलेगा, मतलब देखो यार गेम तो ऐसा चलेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन में टू इज इक्वल टू कितना जीरो, हाँ कि ना जी। चले आपका फाइनल आंसर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स टू जीरो। सर बातें कुछ ऐसी भी हैं कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कभी कभी ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसी में आपसे पूछ सकते हैं फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अभी देखो जब उसने बोला डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इसका मतलब आपको x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना रखना है जीरो,
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू। तो ये तो आपके पास क्या है, पॉलीनोमियल p ऑफ x, गेटिंग इट। जैसे ही आप p ऑफ टू पुट करोगे x के लिए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास टू इंटू कितना, टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू कितना, टू माइनस थ्री। जो भी आंसर आएगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, रिमाइंडर। क्या होगा, रिमाइंडर। इसको कौन सी थ्योरम बोलते हैं अपन, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। सर ठीक है, बातें तो अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि बस टू इंटू फोर प्लस टेन माइनस थ्री, एट प्लस टेन माइनस थ्री, कहीं ना कहीं कितना हो गया आपके पास, 15 इज द रिमाइंडर, 15 इज द रिमाइंडर। सर ऐसा भी इक्वेशन आता है, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड पी व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड व्हाट p। तो सर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस तरह विचारा कर रहे हो कि x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो x की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा, 1। तो सर एक तरफ आपके पास चल रहा है p of x अल्टीमेटली आपके पास कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी, जब आप इसमें वन पुट करोगे ये कितना आ जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस पी इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना बोल कर रखा है, फोर, क्योंकि उन्होंने खुद ने रिमाइंडर देके रखा है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, वन प्लस थ्री प्लस अगर अपन लेके चलो p is equal to कितना, 4। ऐसे केस में आपके पास p is equal to कितना आ जाएगा, ऐसे केस में आपके पास p is equal to कितना आ जाएगा, सही है ऐसा ही। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा और लेके चलूं, तो सर क्या यही वो चैप्टर है जो आपको इस तरफ भी लेके जाता है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 8x plus 6 is equal to what, 0। अभी मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें अगर अपन बात करें तो हमारे पास a, b और c सही है, ये a है, ये तुम्हारे पास b है, ये तुम्हारे पास क्या है, c। ऐसे केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय, मतलब माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन में कितना, 1, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाय, मतलब 6 अपॉन में 1। तो बाय दिस यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 8, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, 6। अब अगर मैं इसका स्क्वायर निकालू तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, 8 का स्क्वायर। तो सर ये क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, 64। सही है, मुझे बताओ अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, 64। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 12। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अगर अपन 64 माइनस 12 करें तो कम्स आउट टू बी व्हाट, 52। क्या सर यही निकालना था, मैंने बोला हाँ निकालना तो यही था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अगर बात करूं तो माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 0। गेटिंग इट, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो अगर अपन बात करें इसमें, ये तुम्हारे पास क्या हो गया ए, ये तुम्हारे पास क्या हो गया बी, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया सी।
एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास, सी। चले तो सर आपके पास पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय मतलब माइनस फोर बाय टू, अल्फा बीटा कितना आएगा, सी बाय मतलब माइनस सेवन बाय कितना, तो ये वन जा टू। सर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो सर बाय दिस आपको अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू पता है माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा मतलब थ्री इंटू कितना, माइनस सेवन बाय टू, ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगेन कितना है, तो सर ये तो हो गया माइनस एट, शायद ये टू से टू क्या हो गया कैंसिल, थ्री इंटू माइनस सेवन और माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 21, सही है यहाँ तक, अगर ये चला गया तो यू विल गेट अल्फा क्यूब प्लस क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट माइनस 21, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वुड बी इक्वल टू माइनस 29, सही है क्या यहाँ तक, बाकी ना अब आपको निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब। तो सर ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में यार दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा किया जा सकता है क्या, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो वन अपॉन अल्फा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब अपॉन में कितना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब अपॉन में कितना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, सही है। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया आपके पास, ठीक है, और अल्फा बीटा क्यूब मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, इट वुड बी माइनस सेवन बाय टू का होल क्यूब। तो सर ऐसे में तो आपके पास माइनस 29 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, माइनस 343 अपॉन में 8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, इट बिकम्स 29 इंटू 8 अपॉन में कितना 343, द आंसर यू आर सरवाइविंग फॉर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो खैर अच्छा था, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए इसके साथ ही कहीं ना कहीं कि अगर कोई भी, अगर मैं बात करूं कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कि उसकी इक्वेशन होती है p ऑफ x इज इक्वल टू कितना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू सी। ऐसे में रूट्स तीन निकलते हैं, वन इज अल्फा, अदर इज बीटा एंड द थर्ड वन इज गामा। ऐसे में ये बात जानना जरूरी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू कितना होता है सी बाय ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है दोस्तों माइनस डी बाय ए। सर इसका यूज क्या है, उपभोग क्या, अगर मैं तुमको एक इक्वेशन बोलूं कि इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द सम ऑफ रूट्स, क्योंकि इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं सम इन पेयर्स, सम इन पेयर्स, और सर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सर बातें तो बहुत सारी समझाई, अब अगर अपन बात करें तो इस केस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाय, माइनस ऑफ माइनस थ्री वन, इट बिकम्स थ्री बाय वन, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाय मतलब कितना फोर बाय वन, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए मतलब कितना माइनस फाइव। तो सर क्या ये भी रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है, हाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वहां पे आपसे पूछ लेंगे
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऐसे भी मुझसे कोई पूछ लेता फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो सर आप क्या करते हो? बेटा मैं कुछ नहीं करता, मैं एक फॉर्मूला लगाता बचपन का ही। तो सर बचपन का कौन सा फॉर्मूला? कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो सर ये आपके पास पर्टिकुलरली अवेलेबल है कितना? थ्री। तो ये हो जाता थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, कितना हो गया फोर। ये हो जाएगा नाइन और ये टू इंटू फोर कितना हो गया एट। तो नाइन माइनस एट वुड बी इक्वल टू वॉट वन, इट वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देख लो